हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस। टुडे वी डिस्कस सपोजिटरीज पार्ट 7 सम एमसीक्यूज। ये जो एमसीक्यूज हैं मोस्टली कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर उस तरीके से मैंने बनाया कि एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, यानी कि इनमें से कौन सा मेथड है प्रिपरेशन का जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है सपोजिटरीज बनाने का। ऑप्शंस हैं हैंड मॉडलिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, फ्यूजन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि देयर इज फोर मेथड टू प्रिपेयर सपोजिटरीज, जिसमें से एक है हैंड मोल्डिंग है, कंप्रेशन है, फ्यूजन है और एक मशीन ऑपरेटिंग है, जिसके अंदर जो हैंड मोल्डिंग है वो सबसे पहले का जो मेथड था, जिसके अंदर हाथ से ही जो सपोज चीज है उसको मोल्ड किया जाता था, वो फिर शेप्स में कट कर लिया जाता था। तो इसका आंसर होगा ए, हैंड मोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर बी इज कॉमनली यूज सपोजिटरी बेस इज, यानी कि इनमें से कौन सा है बेस है जो मोस्टली है जो एज ए सपोजिटरीज बनाने में यूज होता है। ऑप्शन है कोका बटर, पीजी 1000, अराचीज ऑयल एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको याद है प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया था कि जो सबसे पहले सपोजिटरीज बेस के रूप में यूज किया गया वो था कोका बटर या फिर थियोब्रोमा ऑयल। उसके अंदर काफी सारी है जो इनकम्पेटिबिलिटीज या फिर डिसएडवांटेजेस थे, उनको ओवरकम करने के लिए सिंथेटिक है जो बेसिस बनाए गए या फिर वेजिटेबल्स ऑयल्स को एज अ बेस लेना शुरू किया गया। तो इसका आंसर होगा ए, कोका बटर या फिर थियोब्रोमा ऑयल। हियर इज द आंसर, हैंड मॉडलिंग इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड टू प्रिपेयर सपोजिटरीज एंड कोका बटर इज मोस्टली या कॉमनली यूज एज अ सपोजिटरी बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोजिटरीज आर जनरली इवोल्यूटेड बाय, यानी कि जो सपोजिटरीज हैं उसके जो इवोल्यूशन मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन हैं मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट, लिक्विफिकेशन, बी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर अपन बात करें सपोजिटरीज की, तो बेसिकली उनके इवोल्यूशन क्या रहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो मेल्ट होना शुरू हो, क्या वो ब्रेक तो नहीं हो रही है, या फिर बॉडी में जाने के बाद वो लिक्विफाई किस रेशो से हो रही है। तो ये सारे के सारे मेथड ही इवोल्यूशन के लिए कंसिडर किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टल सपोजिटरी इज यूज टू ट्रीट अ फीवर, दिस वुड रिप्रेजेंट वॉट टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी। यानी कि एक रेक्टल सपोजिटरी अपन ले रहे हैं जो कि फीवर को जो ट्रीट करिए, फीवर यानी कि एक तरीके से एक डिजीज को क्योर कर रही है जो कि रेक्टल पार्ट से रिलेटेड नहीं है, तो उस तरीके की जो डिलीवरी है उसे अपन क्या कहेंगे। ऑप्शन है पेरेंटल एंड लोकल, पेरेंटल एंड सिस्टमेटिक, इंटरनल एंड लोकल एंड इंटरनल एंड सिस्टमेटिक। यानी कि ऑब्वियस है जो फीवर है यानी कि एक पेन किलर दे रहे हैं जो कि फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन दे रहे हैं जो कि बॉडी का जो फीवर है उसको रिड्यूस कर रही है। और फीवर की अगर अपन बात करें तो ब्रेन के अंदर एक ट्रिगर जोन होता है वो बढ़ जाता है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये सिस्टमेटिक की बात कर रहे हैं, तो सिस्टमेटिक तो होगा। फिर बचा इंटरनल या फिर पेरेंटल, तो ये पेरेंटल रूट से तो दिया नहीं गया, तो इंटरनल, और इंटरनल का मतलब होता है कि जो ड्रग है जो इंटेस्टाइन में जा रही है या फिर जो जीएच ट्रैक के अंदर कहीं रिलेट कर रही है। तो इसका आंसर होगा डी, इंटरनल और सिस्टमेटिक सिस्टम। इज द आंसर, ऑल आर मोस्टली इवोल्यूशन ऑफ सपोजिटरीज एंड इंटरनल एंड सिस्टमेटिक रूट यूज फॉर फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन व्हेन इंसर्टेड एज अ रेक्टल सपोजिटरी। क्वेश्चन इज वेजाइनल सपोजिटरीज आर कॉमनली यूज टू ट्रीट गायनोकोलॉजिकल एलिमेंट इंक्लूडिंग वेजाइनल इन्फेक्शन सच एज, यानी कि जो वेजाइनल सपोजिटरीज दी जाती है वो मोस्टली जो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए दी जाती है, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। तो उनमें से ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जिसे ट्रीट करने के लिए अपन वेजाइनल सपोजिटरीज देते हैं। ऑप्शन है डीफिकेशन, एसिडोसिस, कैंडिडियासिस एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर अपन डीफिकेशन की बात करें तो डीफिकेशन यानी कि फीकल को डिस्चार्ज करना, एसिडिटिस यानी कि एसिडिटी को कम करना, सी है कैंडिडाइटिस, इट इज अ यीस्ट इन्फेक्शन जो कि वेजाइनल कैविटी में हो जाता है फीमेल्स पे, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन क्या है, वेजाइनल सपोजिटरीज क्यों दी जा रही है गायनेकोलॉजिकल पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो आंसर इसका होगा सी, कैंडिडाइटिस, यानी कि जो यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है वेजाइनल इन्फेक्शन उसको ट्रीट करने के लिए मोस्टली जो है वेजाइनल सपोजिटरीज बनाई जाती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजाइनल सपोजिटरीज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि जो वेजाइनल सपोजिटरीज हैं उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शंस की अगर अपन बात करें पेसारीज, बोगीज, ऑरिनेरिया एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर अपन याद करें प्रीवियस वीडियोस के हिसाब से, तो वेजाइनल सपोजिटरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली नॉर्मल सपोजिटरीज से थोड़ी बड़ी होती है साइज में, दैट्स वाई इसे पेसारीज कहते हैं। तो हियर इज द आंसर ए, पेसारीज। वाइल बोगीज की बात करते हैं तो जो नेजल कैविटी के अंदर जो डाली जाती है उन्हें अपन बोगीज कहते हैं, ऑरिनेरिया इज फॉर ईयर कोन।
तो हियर इज आंसर पेसारीज. कैंडिडाइटिस इज अ वैजाइनल इन्फेक्शन फॉर विच वी टीट यूज वैजाइनल सपोजिटरीज एंड पेसारीज इज अदर नॉट टर्म ऑफ वैजाइनल सपोजिटरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट ऑफ यूरेथ्रल सपोजिटरीज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली इन ग्राम्स. यानी कि जो यूरेथ्रल सपोजिटरीज यूज की जाती है मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर, उनका जो वेट है वो क्या होता है इन ग्राम्स के अंदर. तो अपने को याद है प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि जो मेल है उसके अंदर एटलीस्ट 4 ग्राम की जो है सपोजिटरीज यूज की जा सकती है फॉर यूरेथ्रल ट्रीटमेंट, एंड फीमेल्स के अंदर रहती है 2 ग्राम. तो आंसर इसका रहेगा ए, 4 एंड 2 ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोका वाटर अवेलेबल इन फॉलोइंग फॉर्म. ऑप्शन आर अल्फा, बीटा, गामा एंड ऑल. यानी कि जो कोका वाटर है वो कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है. तो कोका वाटर के अंदर एक खास बात ये थी डिसएडवांटेजेस के अंदर कि ये पॉलीमॉर्फ क्रिएट करता है. पॉलीमॉर्फ यानी कि एक से ज्यादा फॉर्म अवेलेबल होता है. तो जैसे अपन इसको ठंडा अचानक से करते हैं या गर्म करते हैं तो इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं. तो इसके अंदर जो फॉर्म्स रहती है वो मोस्टली रहती है अल्फा, बीटा एंड गामा. तो आंसर इसका रहेगा ऑल. यानी कि जो कोका बटर है या फिर थियोमरोमा ऑल कह दो, उनके अंदर तीनों फॉर्म देखने को मिलती है, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. तो आंसर रहेगा इसका डी. 4 एंड 2 ग्राम सपोजिटरीज यूज फॉर मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली एंड अल्फा, बीटा एंड गामा फॉर्म अवेलेबल इन कोका बटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फैट इज. यानी कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो सिंथेटिक फैट है. तो दो तरीके के सपोजिटरीज बेस बताए गए थे, एक तो जो नेचुरल थे, दूसरा था सिंथेटिक. तो सिंथेटिक फैट्स मोस्टली इसलिए बनाए गए थे ताकि जो डिसएडवांटेजेस हैं नेचुरल फैट्स के वो अपन ओवरकम कर सकें. उसके अंदर 3 बताए थे, माजास्ट्रियम, वाइडस्पोल या फिर माजापोल. तो आंसर इसका रहेगा डी, ऑल आर द सिंथेटिक फैट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिपस सॉलिडस इज ऑल्सो नोन एज. यानी कि इन जो तीनों सिंथेटिक फैट्स हैं इनमें से एडिपस सॉलिडस किसका नाम है. ऑप्शन है ए मास एस्टिरियम, वाइट पोल एंड मासापोल, एंड डी इज नन ऑफ द अबव. तो जो एडिपस सॉलिडस है वो मास एस्टिरियम का दूसरा नाम है. तो इसका आंसर रहेगा ए, मास एस्टिरियम. हियर इज द आंसर, ऑल आर सिंथेटिक फैट्स एंड मास एस्टिरियम इज ऑल्सो नोन एज एडिपस सॉलिडस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ जिलेटिन एंड ग्लिस्ट्रोल इन ग्लिस्ट्रो जिलेटिन बेस इज. यानी कि जो ग्लिस्ट्रो जिलेटिन बेस है सपोज इसके लिए अपन जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर जिलेटिन और ग्लिस्ट्रोल का कितना रेशियो रहता है. ऑप्शन हैं 14% जिलेटिन, 17% ग्लिस्ट्रोल, 10% जिलेटिन, 90% ग्लिस्ट्रोल, सी इज बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव. तो जो ग्लिस्ट्रो जिलेटिन बेस हैं उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो रहती है 14% जिलेटिन एंड 17% ग्लिस्ट्रॉल. तो आंसर रहेगा इसका ए, 14 प्लस 17. नेक्स्ट इज द ग्लिस्ट्रो जिलेटिन बेस इनकम्पेटिबल विथ विच ड्रग. यानी कि जो बेसिस हैं वो काफ़ी सारे ड्रग के साथ इनकम्पेटिबल होते हैं. तब जब अपन सपोजिटरीज बना रहे हैं तो उन ड्रग के साथ उस तरीके के बेस को अपने को अवॉइड करना पड़ता है. तो क्वेश्चन ये है कि जो ग्लिस्ट्रो जिलेटिन सिस्टम है वो कौन कौन सी ड्रग के साथ इनकम्पेटिबल है. ऑप्शन हैं टैनिक एसिड, फेरिक क्लोराइड, गैलिक एसिड एंड ऑल ऑफ द अबव. तो ये जो तीनों की तीनों ड्रग हैं वो ग्लिस्ट्रो जिलेटिन बेस के साथ इनकम्पेटिबल रहती हैं और मोस्टली है जो कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू में या फिर प्रेसिपिटेशन ऑकर्स कर देती हैं. तो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव. 14 एंड 70% जिलेटिन ग्लिस्ट्रोल रिस्पेक्टिवली यूज टू मेक ग्लिस्ट्रो जिलेटिन बेस एंड टैनिक एसिड, फेरिक क्लोराइड एंड गैलिक एसिड आर इनकम्पेटिबल विद ग्लिस्ट्रो जिलेटिन बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीईजी मैक्रोगोल्स इनकम्पेटिबल विथ. यानी कि जो सिंथेटिक फैट्स हैं लाइक मैक्रोगोल्स, पीईजी, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, वो कौन सी ड्रग्स के साथ है जो कि इनकम्पेटिबल रहते हैं. ऑप्शंस हैं टैनिक एसिड, फिनॉल बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव. तो जो टैनिक एसिड एंड फिनॉल है दोनों के दोनों ही इन सिंथेटिक जो पॉलीमर्स हैं या फिर सिंथेटिक बेसिस हैं उनके साथ इनकम्पेटिबल रहते हैं. तो आंसर इसका रहेगा सी, बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच टाइप ऑफ बेस नो लुब्रिकेशन इज नीडेड. यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा बेस है जब अपन उसकी सपोजिटरीज बनाते हैं तो सपोजिटरीज मोल्ड के ऊपर अपने को किसी भी लुब्रिकेटिंग एजेंट लाइक लिक्विड पैराफिन को लगाने की जरूरत नहीं है, वो स्टिकी नेचर नहीं है. ऑप्शन है ग्लिस्ट्रो जिलेटिन बेस, कोका बटर, सिंथेटिक बेसिस और जिलेटिन बेसिस. तो अगर आपको याद हो मैंने आपको एक टेबल बताई थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि जो कोका बटर है वो बहुत ज्यादा स्टिकी रहता है, इस चक्कर में अपने इसके ऊपर है जो कि 90% अल्कोहल या फिर वेजिटेबल ऑयल्स को लुब्रिकेट करना पड़ता है मोल्ड्स पे ताकि जो कोका बटर की सपोजिटरीज हैं वो स्टिक ना हो
ग्लिसरॉल जिलेटिन के अंदर भी सेम डिसएडवांटेज रहता है, इसलिए लिक्विड पैराफिन यूज करना पड़ता है। बट सिंथेटिक बेसिस हैं, जो मॉडिफाइड बेसिस हैं, उसके अंदर ये लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती। ये सिस्टम है जो स्टिक नहीं करते मोल्ड के ऊपर और आसानी से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, सिंथेटिक मोड्स लाइक पीईजी, मैक्रोगेल्स, ये सब। Here are the answer. Tannic acid and phenol both are incompatible with macrogols and PEGs, and synthetic base do not need lubrications on mold. Next question is the displacement value for zinc oxide is. Displacement value की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था कि displacement value यानी कि ड्रग के द्वारा बेस को कितना डिस्प्लेस किया गया है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। और हर एक ड्रग की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू फिक्स रहती है। यहाँ पूछा गया है जिंक ऑक्साइड की कितनी है, ऑप्शन है 1, 2, 1.5 एंड 5। तो अपने एक प्रीवियस वीडियो में पूरा का पूरा जिंक ऑक्साइड पे क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा था, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ जिंक ऑक्साइड निकली थी थियोब्रोमा ऑयल के रिगार्डिंग, वो निकली थी 5। तो हियर इज द आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेजिलिटी और ब्रिटलनेस ऑफ सपोजिटरी इज इवोल्यूटेड बाय, यानी कि जो सपोजिटरीज हैं टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो इसमें ब्रिटलनेस या फ्रेजाइलिटी यानी कि जो बिखराव वाली जो संरचना आ जाती है उसका एवोल्यूशन किस मेथड से किया जाता है। ऑप्शन है लिक्विफिकेशन, ब्रेकिंग, ड्रग यूनिफॉर्मिटी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो फ्रेजिलिटी या फिर ब्रिटलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे उसका एवोल्यूशन किया जाता है, जिसके अंदर एक रॉड रहती है जिसके नीचे अपन सपोजिटरीज लगाते हैं और एक फिक्स 600 ग्राम वेट को पुश किया जाता है। तो आंसर रहेगा इसका बी, ब्रेकिंग टेस्ट। Here is the answer. 5 is displacement value for zinc oxide and baking test used to evaluate fragility and brittleness of suppository. Next question is bad smell rancidity reduced by using antioxidants like, यानी कि जो bad smell है या फिर जो rancidity है वो कौन से एंटीऑक्सीडेंट अपन यूज करके उसको क्योर कर सकते हैं। तो रेंसिडिटी को अगर अपन डिफाइन करें तो जैसे कि अपन जो भी वेस्ट यूज कर रहे हैं वो फैट हैं, यानी कि ऑयल्स हैं, फैट हैं, तो आफ्टर टाइम वो क्या होता है उसमें ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है और वो स्मेल करने लग जाते हैं। उनको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से हैं, तो ऑप्शन है BHT, BHA, विटामिन ई एंड ऑल। BHT यानी कि ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, विटामिन ई एंड ऑल। तो ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों ही एज एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं। तो आंसर इसका रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्वस बेस आर, यानी कि एक्वस बेस का एग्जाम्पल क्या है। तो दो तरीके के जो क्लासिफिकेशन थे, एक था जो सिंथेटिक या फिर नेचुरल था, दूसरा था वाटर सोल्यूबल बेसिस। उसके अंदर एग्जाम्पल थे मैक्रोगोल्स, पीजी और कार्बोवैक्सेस यानी कि पॉलीग्लाइकोल। तो इसका आंसर रहेगा डी और, यानी कि तीनों के तीनों ही एक्वस बेसिस हैं। इज आंसर ऑल आर यूज एज एंटीऑक्सीडेंट एंड ऑल आर एज एक्वस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लिसरॉल सपोजिटरीज डिसइंटीग्रेशन टाइम इज, यानी कि जो ग्लिसरॉल सपोजिटरीज है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है। मोस्टली जो सपोजिटरीज हैं उसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो रहता है 30 मिनट्स, बट स्पेसिफाइड अगर अपन बीपी में मेंशन देखें मोनोग्राफ्स में, तो जो ग्लिसरॉल सपोजिटरीज हैं उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स। तो इसका आंसर रहेगा ए, 1 आवर। नेक्स्ट इज बोगीज टर्म फॉर विच टाइप ऑफ सपोजिटरीज, यानी कि जो बोगीज है टर्म वो किस तरीके की सपोजिटरीज के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बोगीज है जो मोस्टली जो नेजल या फिर जो यूरेथ्रल टाइप ऑफ सपोजिटरीज है उनके लिए अपन वो टर्म यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ नेजल एंड यूरेथ्रल सपोजिटरीज आर नोन एज बोगीज। Here is the answer. 1 hour disintegration time for glycerol suppositories and nasal and urethral suppositories also known as bogies. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.